हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल दुबे के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है और आपका जीमेल भी खो गया है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर आपसे खो गया है और जीमेल भी आपके पास नहीं है, जिस जीमेल आईडी या फिर जिस मोबाइल नंबर से आपने अपनी फेसबुक आईडी को क्रिएट की थी, वो मोबाइल नंबर और जीमेल आपसे खो गया है और आप अपने फेसबुक आईडी का पासवर्ड भी यहाँ पर भूल गए हो, तो ऐसे में आप अपनी आईडी को आप रिकवर कैसे करोगे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब आपका फेसबुक आईडी का मोबाइल नंबर और जीमेल यहाँ पर बंद हो जाता है, तो जब आप पासवर्ड अपना भूल जाने के बाद रीसेट करते हैं अपने पासवर्ड को, तो आपके उस मोबाइल नंबर और जीमेल पर एक कोड भेजा जाता है। तो आपका मोबाइल नंबर और जीमेल तो आपके पास नहीं है, तो ऐसे में आप अपने आईडी को रिकवर नहीं कर पाते हो। तो अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो, तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने इसी फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकते हो बिना अपने नंबर के, बिना अपने जीमेल आईडी के। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने फेसबुक आईडी से पबजी वाला गेम खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, इसी तरह के बहुत सारी और सारी सी वेबसाइट एप्लीकेशन होती हैं जिनमें वो अपने फेसबुक आईडी से लॉगिन किए होते हैं। तो ऐसे में जब उनका फेसबुक आईडी बंद हो जाता है, उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उनका पबजी वाला गेम नहीं चलता, उनकी आईडी बंद हो जाती है। तो ऐसे में कैसे आप रिकवर करोगे, पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैंने इस टॉपिक पर पहले भी एक दो वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। तो उन वीडियोज़ में हुआ क्या था कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे नीचे कि भाई ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरह के मुझे बहुत सारे कमेंट्स उन वीडियो में देखने को मिले थे। तो उन वीडियो में जितने सारे आप लोगों ने कमेंट किए थे, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि भाई नो फोन एसएस का इंटरफेस आ रहा है, नो ईमेल एसएस का इंटरफेस आ रहा है, तो इस तरह के जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रहे थे, सारा कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो, तो आपका आप अगर मोबाइल नंबर भी भूल चुके हो, बिल्कुल आपको याद भी नहीं था, याद भी नहीं है कि किस मोबाइल नंबर से आपका फेसबुक आईडी था, और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपकी फेसबुक आईडी रिकवर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सब अच्छे से बताने के लिए, आपको प्रैक्टिकली दिखाकर समझाने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो चलिए, आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और बिना टाइम वेस्ट किए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है। आपका जो यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है, उसको आपको सिंपल ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लेने के बाद, अगर आपके पास मोबाइल नंबर आपका नहीं है, आप बिल्कुल भूल गए हो कि आपने किस मोबाइल नंबर से अपनी फेसबुक आईडी बनाई थी, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर गूगल क्रोम में आपको अपनी आईडी को सर्च करना होगा। तो मान लीजिए मैं एक आईडी रिकवर करना चाहता हूँ जिसका नाम है अनुज दुबे, नाम से वो आईडी है, तो मैं यहाँ पर लिख कर सर्च करूँगा अनुज दुबे। तो आपको भी इस तरह से लिख देना अनुज दुबे, और आपको फेसबुक लिख देना है अनुज दुबे, फिर आपको यहाँ पर फेसबुक लिख देना है। बिल्कुल इस तरह का कीवर्ड आपको सर्च करना है, जो आपकी आईडी रिकवर करनी हो उसको आपको सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद आपको फेसबुक लिख देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर गूगल में से सर्च कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर गूगल पर सर्च कर देते हो, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि सबसे ऊपर वाले वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ये सारा प्रोसेस आपको तभी करना है, यानी कि ये वाला प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोसेस आपको तभी करना है जब आप अपना मोबाइल नंबर आपको ना पता हो, यानी कि आपका मोबाइल नंबर क्या था वो आपको ना पता हो। तो उस अगर आपको नहीं पता है तो ही आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, नहीं तो अगर आपको अपना मोबाइल नंबर पता है तो आप इस वीडियो में आगे बताने वाले सारे स्टेप को आपको फॉलो करना होगा अपनी फेसबुक आईडी रिकवर करने में। तो अभी जिनको नंबर नहीं पता है अपना, भूल गए बिल्कुल नंबर भी, तो उनके लिए ये वाला स्टेप है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारी आईडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अब आपको यहाँ पर सबसे पहले सर्च करना होगा कि आपकी आईडी कौन सी है, यानी कि इसमें से आपको चूज़ करना होगा अपनी आईडी को। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ढूँढना होगा आपको, तो मैं देख लेता हूँ, फिर आपको भी इसी तरह से अपनी आईडी को यहाँ पर ढूँढ लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी आईडी फाइंड कर ली है, आपको भी अपनी आईडी इस तरह से फाइंड करनी है, और आपको सिंपल अपनी आईडी पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस अपनी आईडी पर यहाँ पर क्लिक करते हो, आपके पास ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पर जो आपको URL देखने को मिलता है, तो सिंपल आप इसी URL पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखेगा, पेंसिल वाला आइकन, तो सिंपल आप पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कोड यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि नंबर वाला कोड है, यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह का कुछ कोड आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर सारे जितने यहाँ पर आपको नंबर दिखेंगे, इन सारे नंबर को आपको सिंपल कॉपी करना है। बिल्कुल इस तरह आपको लॉन्ग प्रेस करना है और आपको यहाँ उसी नंबर्स को सिर्फ यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से कर आपको यहाँ पर कॉपी कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, ये आप किसी की आईडी में लॉगिन करके भी ये प्रोसेस कर सकते हो। यानी कि आप अपने दोस्तों के फेसबुक आईडी में लॉगिन कीजिएगा, उसके बाद आप अपनी आईडी को ओपन कीजिएगा, उसके बाद इस तरह से आपको कोड अपना कॉपी कर लेना अपनी प्रोफाइल आईडी का। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेने के बाद आपको सिंपल इसके बाद क्या करना है वो आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों इसको कॉपी कर लेने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर सर्च करना है गूगल में, फिर से आपको आकर फेसबुक डेस्कटॉप, यहाँ पर आपको डेस्कटॉप इस तरह से लिख देना है, फेसबुक डेस्कटॉप लिंक। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिख कर सर्च कर देना है। अब आपके पास ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र के यहाँ पर थ्री डॉट पर जाना है और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप का ऑप्शन दिख जाता है इस तरफ। तो सिंपल आपको इस डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपको थोड़ा यहाँ पर नीचे आ जाना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको किसी भी लिंक पर क्लिक कर देना है और आपको इस तरह के इंटरफेस पर सबसे पहले आ जाना है। यानी कि इस तरह का इंटरफेस आपके फ़ोन में ओपन होना चाहिए। उसके बाद आपको सिंपल ऊपर की तरफ यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ईमेल या फ़ोन। तो ईमेल या फ़ोन जहाँ पर लिखा है वहाँ पर अगर आपको अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अगर याद है, यानी कि क्या था वो नंबर आपको अगर याद है तो आपको इसमें टाइप करना है। अगर आपको नहीं याद है तो मैंने जो अभी पिछले स्टेप में बताया, जो मैंने कोड वहाँ पर कॉपी करवाया था, तो सिंपल आपको उसी कोड को यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। इस तरह से आपको उसी कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आगे की तरह आपको पासवर्ड में कोई एक गलत पासवर्ड एक बार डाल देना है। मैं कुछ भी यहाँ पर डाल दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो आपको भी इस तरह से गलत पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर देना, यानी कि आपको पासवर्ड तो याद ही नहीं है तो आपको गलत ही पासवर्ड यहाँ पर डालना है। उसके बाद जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इंटरनेट थोड़ा यहाँ पर स्लो है, हमें थोड़ा वेट करना होगा, तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी आईडी देखने को अब मिल जाएगी। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर गलत आपको बताया जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा होगा आपके द्वारा डाला गया पासवर्ड गलत है। तो सिंपल आपको नीचे ऑप्शन दिख जाएगा पासवर्ड भूल गए, यानी कि फॉरगेटन पासवर्ड। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस जब आपको देखने को मिले तो सिंपल आपको नो लॉन्गर हैव एसेस टू दीज, तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे नो लॉन्गर हैव एसेस टू दीज, तो उसके बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहीं पर बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, जो लोग कमेंट करते हैं हमारे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जो लोग कमेंट किए थे उनको यहीं पर प्रॉब्लम आ रही थी। यानी कि यहाँ पर नो लॉन्गर हैव एसेस दीज पर क्लिक करने के बाद उनके पास हाउ कैन वी रीच यू का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो उनके पास ऑप्शन आ रहा था नो फोन एसेस का। तो मैं बता देता हूँ कि नो फोन एसेस का प्रॉब्लम आपको क्यों आता है। तो अगर आपके भी सामने नो फोन एसेस का ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना होगा कि आपको उस फोन में से इस प्रोसेस को करना होगा, यानी कि उस फोन में इन सारे प्रोसेस को आपको करना होगा जिस फोन में आप पहले अपनी फेसबुक आईडी को चलाया करते थे। यानी कि उस जो आईडी आप रिकवर करने वाले हो वो आईडी जिस फोन में सबसे ज़्यादा चली थी सिंपल आपको उसी फ़ोन से करना है, तभी आपकी आईडी यहाँ पर रिकवर होती है। क्योंकि यहाँ पर फेसबुक वेरीफाई करता है कि वो आईडी आप ही की है या नहीं है। यानी कि अगर आप उस फोन से करेंगे तो फेसबुक जान जाएगा कि इसी मोबाइल में ये आईडी पहले चलती थी, यानी कि इसी का आईडी है। तो नो फोन एसेस का ऑप्शन आने पर आपको सिंपल उसी फ़ोन से लॉगिन कर ये सब प्रोसेस करने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों जब आप अपने उस फ़ोन से यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये सब करने का प्रयास करेंगे, तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको उस फ़ोन में इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपल आपको यहाँ पर न्यू ईमेल आपसे मांगा जाएगा, यानी कि आपको एक ऐसा यहाँ पर ईमेल देना है जो ईमेल आपके फ़ोन में लॉग इन हो, यानी कि जिस ईमेल पर आए हुए मैसेज को आप पढ़ सको। तो उस ईमेल को सिंपल आपको यहाँ पर न्यू ईमेल को यहाँ पर आपको डाल देना है। तो इस तरह से मैं डाल देता हूँ, तो आपको भी इस तरह से न्यू ईमेल यहाँ पर डाल देनी है जो ईमेल आप एसेस कर रहे हो। तो यहाँ पर डाल देने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर आगे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल आप इसी कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हो आपके पास कुछ इस तरह सा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सॉरी यार, मैंने यहाँ पर इस जीमेल आईडी से पहले से ही एक फेसबुक आईडी बनाई है, इसलिए यहाँ पर दे रहा है कि
इस आईडी से दूसरी फेसबुक आईडी बनी है, तो आपको कोई ऐसा ईमेल एड्रेस ऐड करना होगा जिससे कोई फेसबुक आईडी ना बनी हो। तो यहाँ पर आपको न्यू ईमेल डाल देने के बाद सिंपल आप कंटिन्यू करना है आपको। अब आप जैसे कंटिन्यू करोगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फुल नेम। तो सिंपल आप किसी भी इस फॉर्म को यहाँ पर फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी आईडी का फुल नेम यहाँ पर दे देना है, इस तरह से आपको फुल नेम देना है। उसके बाद लिंक यूआरएल टू योर टाइमलाइन का ऑप्शन आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको अपनी फेसबुक आईडी की टाइमलाइन का यूआरएल कॉपी कर यहाँ पर पेस्ट करना है, यानी कि आपको अपने फ्रेंड का फ़ोन लेना है, उसके फ़ोन में अपनी आईडी को ओपन कर उसका टाइमलाइन का लिंक आपको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। तो इस तरह आपको पेस्ट कर देना है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो सिंपल आप इस तरह से पेस्ट कर दीजिएगा उसको, उस लिंक को कॉपी कर। मैं कौन सा लिंक कह रहा हूँ ये आप ध्यान से सुनिए। आपकी जो फेसबुक आईडी है, आप अपने फ्रेंड की फ़ोन लीजिएगा, उसमें आप अपनी फेसबुक आईडी को सर्च कीजिएगा, और फेसबुक आईडी पर ओपन करने के बाद जब आपकी फेसबुक आईडी ओपन हो जाए जहाँ पर आपकी सारी पोस्ट दिखती हैं, तो वहाँ पर ऊपर वाले यूआरएल को आपको सिंपल पूरा का पूरा कॉपी करना है और आकर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद नीचे की तरह आपको ऑप्शन दिखेगा सिलेक्ट योर इशू, तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपको इशू आपका हो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर लिखा है आई हैव लॉस्ट कम्प्लीट एसेस टू दिस फोन नंबर, तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कंट्री कोड आपको देखने को मिलेगा, तो सिंपल यहाँ पर अपना कंट्री कोड आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर कंट्री कोड डाल देता हूँ। उसके बाद कंट्री कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको डिस्क्राइब योर इशू करना है, यानी कि यहाँ पर आपको पूरा डिटेल लिख देना है इंग्लिश में कि सर हेलो फेसबुक टीम, इस तरह से आपको लिखना है कि मैं अपनी फेसबुक आईडी का फ़ोन नंबर भूल गया हूँ, तो इसलिए जो भी आपको प्रॉब्लम हो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब योर इशू में लिख देना है। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा इस तरह का ऑप्शन जहाँ पर लिखा है योर आईडी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी आधार कार्ड या फिर किसी भी गवर्नमेंट आईडी का फ़ोटो कैप्चर कर लेना है अपने मोबाइल के कैमरे से। तो सिंपल आपको फ़ोटो कैप्चर कर लेना है आगे की तरफ से जहाँ पर आपको आपका नाम जहाँ पर लिखा हो। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपने अपनी फेसबुक आईडी अपने नाम से ही बनाई थी और सेम वही नाम आपके आधार कार्ड पर भी है, तभी आपकी आईडी यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। यानी कि आधार कार्ड पर आपका नाम होना चाहिए या फिर आपका बर्थडे होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ मैच करना चाहिए तभी आपकी आईडी यहाँ पर रिकॉर्ड हो पाएगी। अगर आपने फेक आईडी बनाई थी तब तो रिकॉर्ड होनी इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको सिंपल चूज़ फाइल को वहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको सिंपल चूज़ फाइल पर क्लिक कर देना है और आपको एक फ़ोटो यहाँ पर चूज़ करनी है अपनी गैलरी में से, जो फ़ोटो आपने यहाँ पर कैप्चर की थी अपने कैमरे में। तो इस तरह से आपको एक फ़ोटो यहाँ पर अपने आईडी की यहाँ पर आपको लगानी है। तो यहाँ पर जैसे आप अपनी फ़ोटो पर क्लिक करोगे यहाँ पर इस तरह का थोड़ा देर लोडिंग आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आपकी आईडी यहाँ पर अपलोड हो जाए, ये फ़ोटो आपकी अपलोड हो जाए, तो नीचे आपको यहाँ पर सेंड का ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपल आप सेंड पर क्लिक कर दोगे तो ये जो आपका फॉर्म है ये फेसबुक की टीम की तरफ पास सेंड हो जाए, यानी कि फेसबुक की टीम के पास आपका ये फॉर्म चला जाएगा और वो आपके आधार कार्ड की पूरी डिटेल को मैच कराएंगे। और अगर आप उनको लगता है कि ये फेसबुक आईडी वाकई में आपका है, तो वो आपकी फेसबुक आईडी रिकवर कर आपने जो नया ईमेल दिया था हाउ कैन वी रीच यू वाले पेज पर, वहाँ पर जो आपने नया ईमेल दिया था उस ईमेल पर आपको फेसबुक मैसेज करेगा। तो वहाँ पर आपको बताएगा वो उस मैसेज में कि अब आप अपने आईडी में किस तरह से लॉगिन कर पाओगे। तो दोस्तों इस तरह से आप सेंड कर अपनी फेसबुक आईडी को रिकवर कर सकते हो। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन यहाँ पर ढूंढ लूँगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।